गुड मॉर्निंग दोस्तों, ठंडी ठंडी सुबह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आ गया हूँ रोड पर और लेबर वाले आ गए हैं, ये देखो। और अभिषेक मंदिर पर जा रहे हैं पानी भरने के लिए। चलना है आज पछा वाले फार्म पर, और आज गन्ना चलेगा जो कार्य है वो प्रारंभ करते हैं। उड़द कट चुके हमारे सारे, बस पहुँच रहे हैं। अभिषेक आ रहे हैं पानी भर के ला रहे हैं। इस वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई गाय सांड कुछ भी नहीं दिख रहे। अब इसमें आ भी जाएंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो बस चलते हैं पछा वाले फार्म पर। आज कोहरा काफ़ी है, तो देखो बाग में आ गया हूँ मैं, तो जो आम के पेड़ हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत हल्के हल्के नाम मात्र को दिख रहे हैं। तो पहुँच रहा हूँ उसी तरफ। कुछ खिलारी कटी पड़ी हैं, कुछ गन्ना काटेंगे, काटने के बाद कुछ लोग जो खिलारी कटी पड़ी हैं उनको छीलेंगे बाकी, और बाकी काटना शुरू कर देंगे गन्ने के लिए। आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये धार पैनी करते हुए पत्थर लगाते हुए गड़ता पर। जैसे चढ़े हुए हैं गढ़ से तो थोड़ा सा पत्थर लगा रहा है, बाकी दो लोग और आ रहे हैं पीछे से, पानी लेकर आ रहे हैं और बाइक से आ रहा है वो, और गन्ना काटने का काम शुरू कर देंगे दो लोग। इनके साथ के दो व्यक्ति हैं वो रास्ता भटक गए, वो आगे निकल गए हैं क्योंकि कोहरा काफी है। वो पहली बार आए हैं यहाँ पर तो उन्हें पता नहीं था, तो उनसे बोल दिया कि सीधे चलते रहो आगे जाकर, तो वो आगे निकल गए। तो बस आ रहे हैं घर से, कोहरा काफी है। और ये फोन कर रहे हैं उसे, देखो हाँ, पानी की वही स्लिप दिखाई जा रही, तो कुछ कोड़ों में से ही छुल रही है, वही है। अरे इंडिकेशन दे रहा है कि आप पीछे वापस आओ लौट कर। तो अभिषेक ने आवाज दी, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। लो जी आ गए हैं वो लोग जो रास्ता भटक गए हैं। ये पहली बार आए हैं यहाँ पर फार्म पर, तो इन्हें बोल दिया कि सीधे चलते जाओ, तो ये आगे ही निकल गए। मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से, यार बाइक वाले पीछे है। कोई नहीं, अब दो लोग ये हैं और तीन लोग ये हैं, पांच लोग मजा हो गए हैं। भाई खड़े कर दो यहीं पे, आराम से खड़े रहने दो। और आज मेरा रामपुर का थोड़ा सा काम है, तो मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, पापा जी आने वाले होंगे, और बस नहा धोकर ब्रेकफास्ट करके फिर निकलता हूँ रामपुर के लिए। लो जी कर दिए शुरुआत छीलने की। एक व्यक्ति काट रहा है, ये काटता रहेगा व्यक्ति, उसे मतलब काटने का ही काम है बस, बाकी ये सब छीलते रहेंगे। यहाँ पर पापा जी आ गए हैं, तो ठीक है मैं चलता हूँ घर और रेडी होकर निकलता हूँ रामपुर के लिए। लो जी आ गए हैं रामपुर में, और रानी आई हुई है, रानी अपना ब्लॉग बना रही है, और इधर संदीप जी खड़े हैं, ये देखो उस तरफ दियो भाई, और हम खड़े हैं चर्च के सामने। ये जोसफ कैथोलिक चर्च है यहाँ पर रामपुर में, तो मैं अंदर चलता हूँ और जगह दिखाता हूँ अंदर जगह कि कैसा कैसा चर्च है। तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, ये है संत जोसफ कैथोलिक चर्च है। अंदर चलेंगे, रानी आई हुई है वीडियो बनाने के लिए, हम अपना ब्लॉग बनाने के लिए, संदीप जी हैं, दीपू भाई हैं। तो ठीक है चलते हैं अंदर की तरफ चर्च में, दिखाते हैं आपके लिए। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया है यहाँ पर, आगे चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर तो बस तो मेन एंट्रेंस पे ऐसे ही है, रानी मशगूल है अपनी मतलब ब्लॉग बनाने में। यहाँ पर ये खुला एरिया है काफी, चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ साइड में सड़क किनारे छोटे छोटे पौधे हैं, ये देखो, और पीछे से मेन एंट्रेंस है। चल रहे हैं आगे की तरफ, मैं हूँ, दीपो भाई हैं, संदीप जी हैं और रानी हैं। साइड में अंदर जाकर ये फुलवारी है, येलो येलो फूल हैं, अच्छे लग रहे हैं। और इधर तोरई की बेल है, तोरई की बेल है, ये किसकी है, नहीं तोरी नहीं, करेला, तोरे नहीं, करेला भी नहीं है, ये मिर्च मतलब ये बन कतरिया के, बन बन कतरिया है, बन कतरिया, ये सांप खाते हैं इसको। ये देखो इधर लगी हुई है, हाँ वो लगी हुई है नीचे, अंदर से दिखाओ ऊपर भी लगी हुई है, ये तो रेड रेड हो रही है, ऊपर रेड है अंदर ये है बन कतरिया। ये देखो हमारे एक में गन्ने के फार्म में काफी होती है। यहाँ पर देखो ये फुलवारी लगी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल हैं यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये येलो फूल है, ये रेड पिंक है, काफी अच्छे तरीके से प्लांटिंग की हुई है यहाँ पर, ये देखो। और
यहाँ पर देखो ये प्रतिमा कितनी प्यारी है, बिल्कुल हूबहू इंसानों जैसे। उस तरफ दिखाता हूँ, उस तरफ कंगारू वगैरह हैं, हिरन वगैरह हैं, सारस वगैरह हैं और एलिफेंट वगैरह। ये सारस है, अच्छे तरीके से, और ये पेंसिल का शेप दिया है। ये पार्किंग में ये बॉर्डर है, और यहाँ पर भी देखो छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। और ये सामने यहाँ पर ये एलिफेंट की प्रतिमा है, ये देखो। और उस तरफ लंगूर है, ये सो रहा है आराम से, रस्सी से बंधा हुआ है, बाद में दिखाता हूँ। और ये जिराफ, बेबी जिराफ है एक, ये देखो एक दूसरे को देखते हुए। और यहाँ पर ये बारहसिंगा, ये देखो और इसके फ्रंट में ये है कंगारू, जिसे सामने से दिखाता हूँ मैं। आगे चलते हैं, भैया बोल रहे हैं कि हमारा ऑफिस बनाया है, तो बना रहा है, सामान रखा हुआ है, तो देखते हैं कैसा है। इस तरफ ये है पूरा एक प्रांगण है, काफी ग्रीनरी ग्रीनरी है, काफी पौधे हैं। अच्छा वो नीचे रखे हैं बीच में, ऐसे छोटे छोटे फूलदान। अच्छा अच्छा अभी तैयार करो तो मैं दिखा दूंगा। नहीं सही है, अच्छा है। फूलदान अपने हाथों से बनाया है ये, इस पर मतलब थोड़े से सपोर्टर बना देंगे उसकी तरह, और इन पे हर पोर्शन पर स्टेप पर फूल रख देंगे, और इस पे लटकाने वाले गुलदस्ता। रानी देख रही है हर चीज। अच्छा 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 ऐसा खदान करती है वो मशीन है। हाथों से बहुत टाइम लगता है, ये लकड़ी फट सकती है हाथों से। ये रंधा मशीन है जिस पर वो हाँ स्मूथ करते हैं। हाँ बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं। तो ये चर्च वालों की है ना, चर्च वालों की है ना ये। अच्छा हाँ चर्च कमेटी की है सारे। तो ये लकड़ी कौन सी है? किसकी? मिलांटी। अच्छा हाँ फिनिशिंग अच्छी आ रही है इसमें। ये मलांटी है बता रहे हैं भैया, काफी अच्छी फिनिशिंग है जी। अच्छा साइड में वो वर्कशॉप है। अच्छा उस तरफ वर्कशॉप है। ये छेद करने वाली मशीन है, भैया चलाकर दिखाएंगे। अच्छा इस तरीके से सुराख हो जाता है, ठीक है। और उस तरफ ड्रिल से छेद करना है बोल्टों के लिए। यहाँ पर मतलब चर्च के लिए मैन्युफैक्चरिंग होती है हर चीज, और मतलब जो बाहर के लोग हैं, सिटी के लोग हैं, कहीं से भी ऑर्डर दे सकते हैं आप, और कोई भी चीज अपनी पसंद की यहाँ पर मतलब मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। तो हर चीज हर लोगों के लिए मैन्युफैक्चर कराते हैं। अच्छा उस तरफ जाकर क्या जरूरत है चर्च में? नहीं वहाँ धार्मिक स्थल है, चर्च में ऐसे दिखाए थे प्रांगण को, जो ग्राउंड है चर्च का ये देखो काफी अच्छा है, सही तरीके से कर रखा है। आ गए हैं मेन ग्राउंड में,
और मैं कंगारू दिखाने चला गया था, तो इस बार कंगारू दिखा रहा हूँ। रानी भी अपने ब्लॉग में शामिल कर रही है कंगारू के लिए। ये जो, ये लो जी, ये है कंगारू। यही कारण है। तो ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से। अभी भी इनका फोटो शूट चल रहा है इधर। लो जी, इधर दीपू भाई सेल्फी लेते हुए। भैया अपने ब्लॉग में मस्त है, आपको दिखाती हूँ एलिफेंट है ना। लो जी, यहाँ पर काफी अच्छा है। हाँ तो भाई यहाँ भी पहुंच गए, तो भाई अरे कैसे मच्छर लग यहाँ पर रहे भी हैं, है। एक किस करे थी बात पर अच्छी। अच्छा गंदा यार, क्या यहाँ कर रहा गया है। दीपक ने, देखो ओए अब आ जाते हैं एलिफेंट के पास। ये देखिए ये है, यहाँ भी चढ़ गया दीपक भाई। दीपक भाई थोड़े तो दीपक कोई रहने नहीं, दे, टच मतलब चीजों गंदी, गंदा हो रहा है, धूल पड़ रही है यार।